एरिया लोन जो कि आदित्य उपाध्याय का है, लोन एवं रेस्टोरेंट, उसको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वीडियो टीम के द्वारा की गई है। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। शहर में हुई गोलीकांड के आरोपियों पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कल बजरंग ढाबे के निकट थाना इज्जत नगर क्षेत्र में राजीव राणा के होटल और आवास को ध्वस्त किया गया था, तो वहीं आज दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय के रिसोर्ट को ध्वस्त किया गया है। बरेली शहर में गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात बीते शनिवार को हुई थी, जिससे शहर में दहशत का माहौल फैल गया था। बता दें कि वारदात राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से कई अन्य आरोपी भी शामिल थे। इसमें सरयाम रोड पर लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी। गोलीकांड को अंजाम देने वाले आरोपी इज्जत नगर पुलिस के सामने भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे थे। तत्कालीन एसएसपी ने थाना इज्जत नगर पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी सहित 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। आज दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय का बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोहरा रोड पर बना सांवरिया रिजॉर्ट ध्वस्त किया गया है। बताया जाता है कि 2021 से इसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित थे, मगर अब गोलीकांड के बाद आनन फानन में प्रशासन ने इसको ध्वस्त किया है। गोलीकांड के बाद बीडीए प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जाग गया और दो जगह ध्वस्तीकरण की आनन फानन में कार्रवाई कर दी। परंतु हकीकत ये है कि जाने कितने पूंजीपतियों की कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश की फाइलें बरेली विकास प्राधिकरण की अलमारी में रखी धूल फांक रही हैं। वहीं मामले में सीओ तृतीय अनीता चौहान का कहना है कि बीती 22 जून को हुए गोलीकांड के आरोपी आदित्य उपाध्याय के सांवरिया रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट पर आज बीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। साथ ही आज राजीव राणा के होटल स्टार सिटी और सीके वैली को सील किया गया है। इससे पहले राजीव राणा के एक होटल और आवास को ध्वस्त किया जा चुका है। 22 को बजरंग ढाबा के पास थाना इज्जत नगर में हुई फायरिंग की घटना से ही रिलेटेड आज कुछ जगहों पर बीडीए टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। राजीव राणा का एक होटल स्टार सिटी को सील किया गया है, साथ ही एक होटल सीके वैली जिसमें इसके द्वारा बुलाए गए लोगों को रुकवाया गया था उसको सील किया गया है, तथा एक सांवरिया लॉन जो कि आदित्य उपाध्याय का है, लॉन एवं रेस्टोरेंट, उसको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए टीम के द्वारा की गई है, जो मानकों के विरुद्ध था, अवैध था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।